डॉक्टर बोला पैर काट दूंगा, नहीं कटेगा, पक्का नहीं कटेगा। सांप था या प्रेत था? प्रेत था। प्रेत था, कोई भी रूप में आ सकता है प्रेत। तो कितने साल से आप इससे परेशान थे बाबा जी? करीब 12 साल हो गया। 10-12 साल से लगभग। तो कितने बाबी बाबाओं को ट्राई किया आपने? बाबी बाबा बहुत खोजे लेकिन कोई जेनुइन हमें नहीं मिला, गए नहीं। फिर कलकत्ता का एक वो मिला था हमें। अच्छा, कलकत्ता का कौन? भूत मुक्ति केंद्र है कलकत्ता दमदम में। अच्छा, तो जैसे जैसे हम हर 6 महीने में एक बार चक्कर लगता है, तो उनको पहले से बहुत कोशिश की, रिक्वेस्ट की, तो वो बोलते हैं कि जब हम अपॉइंटमेंट दे तभी हमारे यहाँ आया। तो कितने दिन से उनके यहाँ ट्राई कर रहे हैं? हम लोग 1.5 साल से ट्राई कर रहे हैं और कभी नंबर नहीं आया। कभी नंबर नहीं। तो फिर जब पेशेंट मर जाएगा, भूत प्रेत उसके जब पेशेंट को मौत के घाट उतार देंगे, तो ऐसा मुक्ति केंद्र का क्या मतलब है? कोई भी बाबी बाबा का क्या मतलब है? 1.5 साल से ट्राई कर रहे हैं आप और नंबर ही नहीं आ रहा है, तो जब आप मर जाएंगे तब नंबर आके फिर फायदा क्या? तो फिर वहां पे क्या होता है? वहां पे वो लोग बुलाते हैं, फिर जो भी प्रोसेस है बात करते हैं भूत को वो करके, फिर हाजिरा करवा के। अच्छा, हाजिर करवाते हैं, फिर करवाते हैं, फिर उनसे बात करते हैं। अच्छा, फिर उनको कुछ मुक्ति दिलाने का कुछ वो करते हैं। अच्छा, तो फिर हो जाता है, फिर कुछ ताबीज कवच वगैरह ऐसा कुछ दिया देते हैं। हाँ, कुछ बंधन जैसे बोलते हैं। मैं पृथ्वी पे बोला हूँ कि कोई ऐसा मौलवी मौलाना ओझा सोखा मुल्ला पंडित बाबी बाबा पैदा नहीं है कि वो मुक्ति दे दे, यानी वो बंधन बंधन ताबीज वाबीज से कुछ नहीं होता है। ठीक है, बेवकूफ बना के लेना है पैसा। क्या लेना है? पैसा। फिर ये कौन है? आपकी वाइफ है। ये आपकी वाइफ है, तो उसका वीडियो देखते देखते फिर मेरे यहाँ कैसे आ गया? अचानक इनको, अच्छा अचानक वीडियो खुल गया, आप मेरा वीडियो देखा? मैंने देखा। फिर कितने दिन से मेरा वीडियो देखा? मैं 15 दिन देखने के देखा, 15 दिन, फिर 15 दिन इन्होंने भी देखा, फिर हमने मतलब चाय किया तो हमें नंबर मिला, मतलब दिल्ली में अचानक पता लग गया आप दिल्ली आ रहे हैं। महीने में 1 दिन दिल्ली बैठते हैं और महीने में 8 दिन यहाँ बैठते हैं, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि वहाँ आप रहेंगे तो यहाँ मेरा लड़का है, मैं करूँ या मेरा लड़का करे। ठीक है, काम सेम है, सेम बताना चाहता हूँ फुटेज के जरिए। फिर आपने क्या करवाया है ऑनलाइन? हम दिल्ली पहुंचे। अच्छा, दिल्ली पहुंचे। हाँ, वहां पर क्या करवाया आपने? उधर चेक करवा के फिर ऊपर का वो हमने कटवाया ऑनलाइन में। मुझे 60% के ऊपर फायदा है। 60% कितना होता है? 60% से ज्यादा फायदा है सिर्फ ऊपर के कटवाने से। ऑनलाइन करवाया? ऑनलाइन करवाया। हाँ, तो बहुत से बेवकूफ लोग फोन पे बोलते हैं हो जाता है, हो जाएगा, इन दोनों बात पे मुझे आपत्ति है। होता है तभी तो मैं बोलता हूँ, दो ऑप्शन है, या तो वीडियो कॉलिंग से कराओ या यहाँ आके कराओ। यहाँ आओगे लेडीज के ऊपर हाजिर कराने की कोशिश करेंगे, 50-50 चांस है हाजिर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आदमियों का जो था उस दिन बाबा जी थोड़ा लेट हो गए थे, तो भैया जी ने यहीं से शुरू कर दिया था ऑनलाइन, तो भैया जी ने ऑनलाइन बहुत जनों पेशेंट को वो किया, हाँ राशिद किया ना। हाँ, हमारी फ्लाइट डिले थी तो लड़का किया तो बेनिफिट मिला आपको 60 से ऊपर। यही बात मैं बोलता हूँ, ये चाबी मैं जिसको दे दूंगा, ये चाबी मिसाल दे रहा हूँ, तो तिजोरी खोल सकते हो ना, जब चाबी नहीं रहेगी तो नहीं खोल सकते हो। तो लड़कों को मैंने दे दिया, एक लड़के को दिया हूँ, अभी दूसरे को भी बहुत जल्द दे दूंगा। शर्त यही है, कोई भी VIP कोटा नहीं, और किसी भी व्यक्ति को मैं गारंटी भी नहीं देता हूँ। क्या निकला जड़ी बूटी खा के आई है? नहीं खाया अभी, खाए नहीं, इसलिए कि हमारा जो पूरी वो कटवा के एक साथ खा के फिर एक साथ पहुंचेंगे। अच्छा, एक साथ पहुंचेंगे। चलिए, क्या दिक्कत होता था इसे आपको? बाबा जी पूरी सिर में ऐसा लगता था कोई भुन सा, और हर काम में दिक्कत, हर चीज में दिक्कत, पूरी शरीर में कुछ भी वो हो जाए तो ऐसे निशान, पूरी पैर, पूरी हाथ, पूरी पीछे का पीठ, कैसे ऐसा लगेगा कोई नोच रहे, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब बहुत से पति, अगर ये पत्नियां कहती हैं पति से, तो पति क्या सोचते हैं? गलत भी सोचते हैं कि ये काम चोर काम ना करने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है। कोई भी पत्नी, कोई भी लड़की, कोई भी बहन, कोई भी माँ ड्रामा नहीं करती है।
ठीक है, ये भूत प्रेत से दिक्कत होती है वो बताते हैं। अब आप मानो या ना मानो, अचानक दिखा गया पूरी, पूरी सब खराब हो चुका है, मेरे पूरा पैर खराब हो, मतलब पैर काटने वाला था 2 साल पहले। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, पैर वैर नहीं कटेगा। ये जो है ना भूत प्रेत कोई भी बीमारियां दे देते हैं, वो जैसा जो बीमारी का अगर आपके अंदर इंटर हो जाएगा वही कर देगा आपकी बॉडी को। रात को भी वेंटिलेटर पे सोना पड़ता है, वेंटिलेटर में सोना पड़ता है 3 साल, वेंटिलेटर मशीन लगा के। तभी कहाँ की रहने वाली आप है? आगरा। आगरा ही की हैं? कुछ कुछ भाषा तो कलकत्ता की बोल रहे। कलकत्ता से आई हूं। अच्छा, कलकत्ता की, वही तो कह रहे कुछ कुछ भाषा मैच कर रहा है। कलकत्ता आगरा में, आप आगरा ही में, ठीक है। तो मछली मछली खाती है? कोलकाता वाले मछली बहुत खाते हैं। खाओ, कोई दिक्कत थोड़ी, कोई पाप थोड़ी है मछली या कुछ भी खाना। तो यहाँ फायदा हुआ आपको? बहुत फायदा हुआ, वेरी गुड। कितना पढ़ी लिखी है? मैं ग्रेजुएशन की। कितना होता है? मतलब 15। आप भी पढ़े लिखे हैं जी। बहुत से कमेंट करते हैं ना कि बाबा जी अनपढ़ों को बैठा के वीडियो बनाते हैं। ये मास्टर्स डिग्री भी किया है। मास्टर डिग्री क्या होता है? 17-18 जो भी डिग्री है, टेक्निकल डिग्री अलग है। तो मैं, मेरा कोई एजेंट या कोई नहीं होता है, ठीक है। और आज भी हम आए हैं, कल अचानक मैंने 1:30 बजे इनको बोला कि हम जाएंगे वहाँ पे बनारस, ये स्कूल में थी तब। स्कूल में मतलब? स्कूल में पढ़ाती हैं। अच्छा, टीचर हैं? टीचर हैं। कितने क्लास को बच्चे को पढ़ाती हैं? मैं प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाती हूं। नर्सरी, नर्सरी छोटे बच्चे, छोटे बच्चे, ठीक है। आप खूब जम के पढ़ाओ, खूब आराम से काम करो, और कोई अब आपको भूत प्रेत ना करे तो आप सदा ठीक रहो। मैं ये सब की बात करता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या खराब लगा, यहाँ का सिस्टम खराब? कोई जैसे एक ने गलती किया, नशा करके आया, हमने उसको बोला, ऑप्शन दिया 10 बार उठी बैठी करो या बाहर जाओ, यानी घर जाओ। तो वो चुना कि मैं घर जाऊंगा। हमने कहा बहुत अच्छा है, घर जाओ। हाँ, गलती करोगे दंड मिलेगा। यहाँ कोई भी नशा करके आना, खैनी बीड़ी पान तंबाकू सख्त मना है। मोजा पहन के अंदर आओगे भगा दूंगा तुरंत, बदबू होता है, गंदगी है। थूक लगा के पैसा गिनना सख्त मना है। ये गंदी आते है, आप लोग छोड़ दो। कौन हो तुम इसकी? दादी हूं मैं इसके। अच्छा, इस लड़की की तुम दादी हो? हाँ। क्या नाम है आपका? दविता भट्टाचार्य। आपकी माँ है? हाँ। कैसे मर गई थी आप? मुझे किसी ने मार डाला। कितने साल पहले? कितने साल पहले? 14 साल। 14 साल पहले आप मर चुकी हैं। आपके हस्बैंड का क्या नाम था? चित्रंजन भट्टाचार्य। सही है? सही है। जीवित है या वो भी मर गए? वो भी मर गए। वो तुम्हारे साथ हैं? नहीं नहीं है। पट्टी खोल दो। आप कहाँ से? आगरा से? आगरा से। वीडियो बन रहा है, आपको कोई आपत्ति नहीं है? नेट पे जाएगा। बहुत से बाद में कहते हैं मुझे मालूम नहीं, नेट पे वीडियो चला गया, मैं होश में नहीं था। तो आप होश में हैं, वीडियो जाएगा। वीडियो उसके लिए बनाते हैं, दुनिया का भला करने के लिए। आप आए हो, वीडियो देख के ही आए होगे। आपका भी भला हुआ, आपकी वाइफ का भला हुआ, बिल्कुल। और अब ऊपर वाले चाहेंगे तो पूरे फैमिली का हो जाएगा भला। तो आप कपड़ा क्या पहनी हो? साड़ी पहने। साड़ी किस रंग की? सफेद। सफेद रंग की आप साड़ी पहनी हो। प्राण कब निकला था, रात को, दिन में? दिन में। दिन में कहाँ पर? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में। सही है? घर में। घर में। घर में कितना बजा था उस समय? दोपहर के दो बजे करीब, शाम को 5:30 के आसपास। शाम को, इतना याद नहीं रहता, बहुत सी बातें। हाँ, होश नहीं था उनको। अच्छा, ये देखो, ये तुम्हारा कौन है? ये देखो, ये कौन है? मेरा बेटा, जो कि ये इसकी बेटी है, है ना? मगर इसकी माँ इसके ऊपर आई है, तंत्र मंत्र करके कोई मार दिया। उसका क्या नाम था? रीता भट्टाचार्य। जो तुमको तंत्र मंत्र करके मारा था उसका नाम? रीता भट्टाचार्य। कहाँ से करवाया था? किसी पंडित से। जो भी ऐसा करने वाला है वो, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। गलत करने की किसी की हत्या कर देते हैं। अब ये जो नाम बताया है, ये आपस में लड़ाई होती है, इसलिए इस नाम को हम बाद में बंद कर देंगे। इन लोगों को पता चल गया है ना, अब हम आवाज को बंद कर देंगे, यानी कि आपस में लड़ाई कभी ना हो, हम ऐसा चाहते हैं। ठीक हो जाए, और ये जो भी करते हैं करवाते हैं, ना करवाएं, ये बहुत बड़ा गुनाह है, पाप है। किसी की भूत प्रेत करके मरवा देते हैं लोग। क्या दुश्मनी था उससे इसकी? वो लोग नहीं चाहते थे कि हम सब लोग एक साथ रहे, मुझे जाना नहीं इन लोगों को छोड़ के। बोलो बोलो, बात करो, अपनी माँ से बात करो ना। तो वही मेरे डायरेक्ट बात है, वही मेरे से। वो सभी को मारना चाहती हैं हमारे परिवार के।
इसको बचने नहीं देगी, इसको ले जाएगी। बहरहाल हम अभी तो यहाँ आप आ गए, हम इन सब अच्छा हमारे साथ सारा जीवन रहना चाहते। हाँ हाँ हम रहने देंगे आपको। अच्छा बाबा के बाबा के ओरा मेरे चाहिए, बाबा के ओरा मेरे छे ना, नॉर्मल डेट ना, ना तुम बाबा के ओरा मेरा भी चाहते ओरा ना बोलते तुम बाबा मोरते ना। अरे हमारे ऊपर जा किसी असुविधा चाहिए और कौन चाहिए शोमा शोमा के तुम्हारा और कौन आक्षेप अभी शादी जब तो तेरे साथ था वो। अच्छा तो हमारे ऊपर कौन ये नहीं तो तुम्हार आपके कितने बेटे थे? मेरे दो बेटे थे। सही है, सही। आपकी लड़की कितनी थी? मेरी एक भी लड़की नहीं। लड़की एक भी नहीं है। ये देखो ये कौन है आपकी, इधर देखो ये मेरी बहू, ये आपकी बहू है जो कि रियल में माँ और बेटी है, मगर इसके ऊपर इसकी दादी है इसलिए बोल रही मेरी बहू है। आपकी बहू अच्छी है या खराब है? बहुत अच्छी है ना। खराब बनाया गया, खराब बनाया गया। आप बात कर लो अपनी सास से, आजीवन रहने देंगे आप, आपको जो खाना पसंद हो आप इस पे आप, ये जिसके ऊपर आप आई हो ये आपकी कौन है? ये मेरी अम्मी और दादी, अम्मी नातनी का चीज़, नातनी बोलते हैं, नातनी। ठीक है, आप सदा यहाँ रहना, जो मन करेगा इस पे आकर बोलना और इसकी आप देख रेख करना, कोई भी भूत प्रेत अगर इसके ऊपर करवाता है तो इसके ऊपर आकर बताना ताकि हम घर बैठे ऑनलाइन भी उन भूतों को ऊपर भेज दें। आप और कुछ बातचीत कर लो। कितना पढ़ी लिखी थी आप? मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं। साइन करने आता है, साइन सिग्नेचर, सिग्नेचर साइन तो करते ना चेक के यार पोस्ट ऑफिसर ये बोलो थे। हाँ तो ये साइन तो करते हो तुम्हारे एक बार सदा रहो। देखो ये है, ये साइड आपकी माँ की है पक्का? ये लो, इंग्लिश में है या हिंदी में? इंग्लिश में ही करती है। इंग्लिश में ही करती है। अब आपकी लड़की का भी साइन करवाऊंगा, वो अलग होगा, उसका राइटिंग बड़ा है, मुझे नहीं मालूम, मगर मैं अभी बता दे रहा हूँ कि उसका वर्ड बड़ा है। बड़ा है, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल। ये इनका राइटिंग नहीं है। ठीक है, ओके। अब इसको हम छिपा के फिर इससे साइन करवाऊंगा बाद में। और आपको काम की बात पूछो, और सदा रहना है, आप डरो मत। थोड़ा बाल पीछे कर दो, इसका बाल थोड़ा पीछे कर दो। अच्छा इसको करके किसने खिलाया, इसको करके किसने खिलाया? अच्छा वही एक ही व्यक्ति का नाम, किस चीज में करके खिलाया है इसको? इसको दही, दही, दही। और वो टोकन में क्या है? पंडित जो चेक किया है वो उधर दिखाओ, यही प्रूफ है, यहाँ का सबूत यही है। पंडित जो बोला दही निकलेगा, पंडित कैसे होता है, वो अंदर जाता है स्कैन करता है, जिसे एक्सरे मशीन टूटा फूटा को स्कैन करके बताता है, उसी तरह पंडित का काम। बोलते दही लिखा हुआ है तुम कि माजे माजे आस्ते पर वे जा खेते जाओ खेते चाहिए कछे तू यार कुछ बोलते चाहो तो द सुसाइड 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 करते चाहिए हमरा है मर्डर सुसाइड ऊपर तक जाता हुआ। अच्छा जो ये बीमारी सीमारी है ये किसने दिया, ये भूत प्रेत जो इसके ऊपर है वही दिया? क्या क्या दिक्कत दे दिया बॉडी में? डॉक्टर बोला पैर काट दूंगा, नहीं कटेगा, पक्का नहीं कटेगा। इनको भी सांप स्नेक मारी, इनको भी मतलब सांप के रूप में आके सांप डस गया हरिद्वार के गंगा में, लेकिन जिंदा है, जिंदा है सांप डस। तो सांप था या प्रेत था? प्रेत था, प्रेत था। कोई भी रूप में आ सकता है प्रेत, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद बोल रहा है। घाव इतना हो गया था कि एक कटोरी घुस जाए, छह महीने घाव सही है। ये भूत प्रेत की वजह से घाव भाव भी ठीक नहीं होता है। के मारा अच्छी इसको मारने आई थी वो साहब, नहीं उनको मारने आई थी, लेकिन उनको जब नहीं वो कर सकी तो इनको मार, हाँ नहीं इनको मारना था उनको मार दिया। अच्छा। फिर इनको मार नहीं सकी तो उनको काटा। फिर आपके पति क्या काम करते थे? मेरे पति आर्मी में थे। आर्मी में थे, सही है, सही है। 519 ठीक है। आप अपनी माँ से बात कर रहे हैं और सदा रखें आप, आजीवन रहें। तुम्हें हमारे साथ ही थक गए हैं, तुम्हारे पाठा ना होगा ना, किंतु तुम्हारे साथ आरोप जो क्यों थके ना उल्टो सोजा
खाली तादर पा थाना अबे क्यों आछे जजा के चेनो तुम्हारे साथ और भी जो है किसी को वो सबको ऊपर भेज देंगे नहीं वो सब निकाल रहे हैं सिर्फ इन्हीं को रखेंगे हम इन ऑफिसर तो अनेक झमेले शुरू है सब इधर कुरिए छे वो चाकरीटा के नहीं जावे वो चाकरीटा के इनके साथ मेरा ऑफिस मतलब नौकरी जाने वाला है नहीं जाएगा और बोलो और वो एक ही व्यक्ति है वो है हमारी भाभी उनके साथ बोलचाल बातचीत सब बंद हो गया था लेकिन पिताजी मन बताया कि पिताजी को भी उन्होंने मारा वो हमें डाउट था आज कंफर्म हो गया ये आवाज जो भी नाम खुला है डीप करूं बिल्कुल किया चाहे तो करें ना करें तो भी हमें कोई फर्क कोई दिक्कत नहीं आपको चलो ये नहीं करेंगे नाम खुल गया है आप बोल रहे हैं आवाज को डीप ना करें नहीं करेंगे इनकी भाभी ऐसे बोलते हैं और हमें आप में शमशान भेज देंगे तीनों अब उसका दिन बुरा शुरू मैडम अक्सर बुलाती रहती हैं आज ये पार्टी है आ जाओ कल वो पार्टी नहीं तो अब नहीं जाना है अब आपको मालूम हो गया ना जब से इधर हम नहीं गए ठीक है नहीं गए अच्छा ये आपकी बहू को भी ये भूत प्रेत दिक्कत दिए थे फिर ये ऑनलाइन काम कराया मेरे बेटे से तो इनको कुछ फायदा हुआ इनको फायदा हुआ कितना फायदा हुआ बहुत फायदा हुआ इनको जो पहले होता था क्या होता था इनको इनके दिल में हार्ट में एक पेन होता था वो भूत प्रेत देते थे हाँ। अब रिलीफ मिला आपको हार्ट हाँ, में हाँ, ये आपकी सासू जी कह रही हैं हाँ। ये आपकी बेटी नहीं कह रही है हम लोग सासू जी से बात कर रहे हैं आपके और कुछ बात करना है घर पे जब मर्जी हो जब बात करना आप और किछु बोलते चाहो अखन किछु कमी থাকলে बोलो हम सारा जीवन थक सारा जीवन हां हां आज जीवन रहो भाई कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें कोई नहीं हटा सकता है तुम्हें कोई कैद नहीं कर सकता है आजीवन अपने परिवार के साथ रहो जो खाने का मन हो जो इच्छा हो आकर इसके ऊपर अपने बहू से बोलो अपने बेटे से बोलो वो बनेगा आप भी खाओ अब ये खाएगी या आप खाओगे तो आपकी माँ खा लेगी अपने आप कहाँ पे थी जब बुलाया तो कहाँ पे आप थी अपने भाषा में पूछ लो कोथाई छिले तुम माने नॉर्मली कोथाई थाको सब समय थाको कि जायर भीतरे हम बाहर तो देखते थाकि आर जखन हम चाहि ओ आमाके जखन स्कूले जाय आमाके बोले जाय बोले कि इसके आसपास ही रहती हूँ तुम्हारे घर में देखती रहती हूँ अच्छा। ये जब भी स्कूल जाती है मुझे बोल के जाती है लेकिन अच्छा। तुम लोग जब स्कूल ऑफिस निकलते हो कोई मुझे याद नहीं करता है चलो इसके पहले कभी आप इसके ऊपर आई थी बहुत बार आई थी बातचीत हुई है आपकी एक बार हुई थी एक बार दो बार जब घर बना जब ये लोग ने घर लिया था अच्छा। उस समय भी मैं आई थी इसके ऊपर यही बोला था कि मेरे को छोड़ के मेरे को मत जाने दो हाँ ठीक है आप सदा रहो इसका देव ने बुझो इसको बाकी के ऊपर भेज दे आप साइड हट जाओ अभी हम बाकियों को ऊपर भेजने जा रहे हैं आप साइड हट जाओ आप सदा रहो और जो भी इनको परेशान कर रहा है उससे बदला लो हम आपको वो शक्ति भी दे दे रहे हैं जाने से पहले अभी ये शक्ति भी ले लो हमसे इधर देखो मेरी तरफ जो इन लोगों का बुरा करने वाला उससे बदला लो आज जीवन बदला लो दर पीढ़ी बदला लो तुम्हें कोई ओझा सोखा मुल्ला पंडित हटा नहीं सकता है तड़पा तड़पा के बदला लो अब साइड हट जाओ बाकियों को हमें भेजना है ऊपर सामने होंगी हाथों का बजट इधर देखो इधर मेरी तरफ तुम लोग इसके ऊपर कितने साल से हो इस लड़की को क्या दिक्कत दी आप भूतों से बात करते हैं माँ से तो बात हो गया तुम लोग कैसे मर गए थे हिंदी आती है कि कोलकाता आती है बांग्ला आती है तुम आदमी हो औरत हो औरत तुम कैसे मर गई थी कमनी भाई मोरे चले पूछो अब भूतों से बात कर रहे हैं कमनी भाई मोरे चले आई मोरी नहीं आवे के पठानो है छे ये मरी नहीं है इसको भेजा गया है हाँ। क्या नाम बता रहे हैं क्या नाम है नाम की नाम बोलो अपना तुम असल की हो या दोगली न हो तुम्हारे पिता हैं कोई नहीं है कपड़ा क्या पहनी हो की ड्रेस परे अच्छो परोने की परे कपूर इसको तकलीफ क्या पूछा है चलो अच्छा ये बताओ इनमें एक एक पार्ट है हर एक ऑर्गन डैमेज कर छी हर एक ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज कर रही है अच्छा इसका ओ पूरा शरीर का अच्छा कितने साल से
दो साल से सही है, दो साल से उनके साथ हमारा आना जाना हुआ, खाना पीना ज्यादा बढ़ गया। अब इन चारों भूतों को ऊपर भेजते हैं, इधर देख, इधर देख, इधर मेरी तरफ देख, बाल दो थोड़ा सा झुका दे, ठीक है। ऑनलाइन कभी किसी को बोलता हूँ तो इतना ही बाल को गिठी के ऊपर दो गिठी बांधना है, वीडियो के जरिए बताता रहता हूँ, और गिठी के ऊपर काट के इसको घर पे जला देना जिसका ऑनलाइन हो रहा है। भाग जा चिता पे चारों, भाग भाग जा तुरंत। अब हमें इस लड़की से बातचीत करना है। आप कहाँ से आई हैं? आगरा। कहाँ से? आगरा। आगरा से? ताजमहल देखा है आपने? गई हैं? कई बार? दो तीन बार गई हैं। आप रो रही हैं क्या? कहे? क्या हुआ है? बॉडी में पेन रहता है वो। नहीं, अभी रो रही हैं क्यों? कितना पढ़ी लिखी हैं आप? 11th में हूँ। 11? कितना हो गया? 11। अच्छा, 11 में पढ़ी हैं। ये कौन है? पापा। क्या हुआ था, कुछ याद है आपको? कुछ हुआ था, कुछ याद है आपको? नहीं याद? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं। पेन किधर है? आप हिंदी में लिखती हैं क्या इंग्लिश में? इंग्लिश में। लो ये लो, अपना नाम लिखो आप यहाँ पर, साइन जो करते हैं। हाँ हाँ, जो साइन करती हो भाई। ये किसका साइन है? ये वाला? ये मेरा साइन है। है? आपका नहीं? क्या नाम है? मेरा नाम कौशिक है। ये क्या नाम लिखा हुआ है? नमिता। ये कौन है? मेरी दादी। आपकी दादी है? तो ये साइन कौन किया यहाँ पर आके, पता है आपको? ये साइन आपकी दादी आके यहाँ किया, कौन किया? दादी। दादी किया? कैसे किया? दादी को मरे कितना साल हुआ, पता है? 14 ईयर्स 14 ईयर 14 साल। चलो, आपकी दादी की आत्मा आपके ऊपर आई, बातचीत किया, उनको आजीवन के लिए रख दिया हूँ। हमने कहा था ना कि इसकी राइटिंग थोड़ी बड़ी है, बड़ी निकली ना? सही है ना, जो बोला था सही निकला? आपकी माँ को छोड़ दिया है, ठीक है? तो ये आपके 300 रुपए वापस, ये मेरे किसी काम के नहीं है, ये रहा। जो काम करता हूं वही पैसा चाहिए। आपकी माँ को नहीं मारा हूं ना, मुक्ति नहीं दिलाया हूं ना, इसलिए 300 आपके वापस। ओके। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम में है या किसी का काम नहीं बन रहा या कोई भूत प्रेत से बाधा से समझ रहे, वो जरूर बाबा जी के पास आए और सारे की सारी चीज इधर ही खत्म करके जाए। ये 100% एक तरीके से गारंटी है, मगर मैं किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देता है। मगर आप लोग आइए, स्टडी भी किया है। अच्छा, आपने स्टडी किया? तो इसमें यही है कि 90% लोग बीमार होते हैं, हम बीमार होते ही सीधा जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर लिख देगा इतने टेस्ट अल्ट्रासाउंड, ये अच्छा ये नहीं, अब MRI करवा लो। वहाँ पे पैसे जा रहा है, हम सोचते अरे जा रहे हैं वो तो ठीक होंगे, लेकिन जो बाधाएं हैं ना, जो वो है नहीं, जो बेस्ट डॉक्टर होते हैं ना, वो बोलते हैं दवा और दुआ दोनों, वो देख रहे हैं अच्छी अच्छी, हमने दवाई दे रहा हूँ, इसको कुछ असर नहीं हो रहा है। जो मतलब एनालिसिस किया है कि हम सभी के आसपास या ऊपर कुछ ना कुछ अंदर चला जाता है, या किसी के द्वारा या हवा से कैसे, हाँ, कोई ना कोई करवा देता है, यही करवाता है। तो 90% लोग बीमार इसी से हैं। और मैं वीडियो के जरिए ये भी बता रहा हूं, उसमें कुछ भी नहीं है, ब्लड टेस्ट सब नॉर्मल ECG नॉर्मल। हाँ, बोलिए आपका चेस्ट का। अब ये वीडियो के जरिए ये भी बताना चाहता हूँ, कुछ बेवकूफ फोन करते हैं कि मुझे भूत करवाना है, तो मैं करवाने का काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ठीक करने का काम करता हूँ। वो बेवकूफ फोन ना करें, लड़की भाग गया, चोरी हो गया, वो भी हमें फोन ना करें, पुलिस स्टेशन जाओगे ना वहाँ? ये कोई दुनिया का बापी बाबा तुम्हारी लड़की कहाँ भाग के गई थोड़ी बता देगा, चोरी हो गई थोड़ी बता देगा। ये अंधविश्वास है,
वहाँ पैसा बाबी बाबाओं पे आप लोग ना फूके, ठीक है? सिर्फ मैं ठीक करने का काम करता हूँ, भूत प्रेत यही सब ऊपरी, और गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूँ। जैसे कि आप लोग कहाँ से आए हो, पेशेंट कहाँ से आया था? सूरजपुर। सूरजपुर भटगांव। सूरजपुर से आया था, और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा नेट पे जरूर डालेंगे, अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हैं। तो लोग कहते नहीं हाजिर हो जाए पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, टोनाइन टाइन जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए, तो हाजिर हो जाता है, नाम खुल जाता है तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ या तो वीडियो बनाना बंद कर दूं, या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दो। तो क्या करना चाहिए, वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें? नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है। वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें, यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना? और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम दो चार बार बोलते रहते हैं, तो आप लोग सब वीडियो ही देख के यहाँ आए। चलो, तो कितने को बेनिफिट हुआ इसमें, कुछ तो आए पहले वाले दूसरे वाले बार वाले, कितने को बेनिफिट क्या हुआ, एक आग तो बताएं कोई, सब पहली बार वाले हैं? नहीं, फायदा हुआ दूसरी बार वाले। अच्छा, दूसरी बार आए फायदा हुआ, किसको दिखाए थे यार? अच्छा, इसको। तो कितना परसेंट फायदा हुआ आधा काम कराने से? आधा से ज्यादा। ये हमारे एजेंट नहीं है, बहुत से कमेंट करते हैं कि ये बाबा जी के एजेंट है, मेरा ना कभी एजेंट कोई था, ना है ना रहेगा। कहां से आप आ रहे हैं? लालगंज से। उल्टी में क्या निकला, जड़ी बूटी खाई है? हाँ। तो उल्टी से निकलना है, दो रास्ते होते हैं उल्टी में, या तो उल्टी से निकलेगा या लैटरिन से निकलेगा। जड़ी बूटी पूरी खा ली, हाँ। क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला, ये कहना आपत्ति है, निकलना तय है, जो पंडित जी बोलते हैं वो निकलना तय है, लैटरिन के थ्रू निकलेगा, आप देख सकती हो तो देखो, ठीक है? और नंबर लोग इस्तेमाल करते हैं नेट वाला, तुरंत अता पता लोकेशन, पूरे वीडियो में पूरी जानकारी है। अब वो कहते हैं हम अनपढ़ हैं, अरे भाई आपके जिला में गांव में जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा कोई तो होगा, उससे आप पूरी जानकारी निकलवा लो। दिन रात हम लोगों को फोन करके परेशान करते हैं, ये गलत है। गलत है या नहीं है जनता बताओ? हमने सब डाल दिया है, कोई भी चीज बाकी नहीं है, लोकेशन टाइम टेबल सब है। तो आप लोग पूरी वीडियो देख के पूरा अता पता निकाल दें, एक दूसरे को खाली नंबर ना दें, उनको बोलो वीडियो देखो, समझ में आए तब आना। और हम किसी भी व्यक्ति को गारंटी भी नहीं देते, नेट पे लिखा है ना 100 में 95 ठीक होते हैं, 5 नहीं होते, मगर मैं गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूं। कितने जो गारंटी मांगते हैं तो उनको मैं फोन ही पे डिलीट कर देता हूं, तू जा भाई मेरे पास मत आना, मेरी खुद की कोई गारंटी नहीं, मैं तुम्हें कहां से दूंगा। तो गारंटी वाले बाबा इस समय नेट पे दुनिया में बहुत से हैं, वहां जाओ, मेरे कोई गारंटी नहीं, जिसके समझ में आए काम कराओ अपनी मर्जी से, टोकन पे भी लिखा हुआ अपनी मर्जी से, आप जो भी करा रहे हैं अपनी मर्जी से, मेरा कोई इसमें नहीं है कि नहीं आपको कराना ही है, डरवाने धमकाने का कोई काम है या नहीं है, आपकी मर्जी हो कराओ, नहीं मर्जी हो घर जाओ। यहाँ चेक कराते हैं और 100 रुपया लगता है, सही बोल रहा हूँ? कितना लगा आप लोगों का? 100 रुपया। ऑनलाइन चेक कराओगे उस पे लगेगा 1000 रुपया, और एक भूत मारने के उस पे लगेंगे 500, यहाँ 300 है उस पे 500 है, इसलिए इतना ज्यादा रखा है कि लोग हाथ पे दही जमाने लगे जरूरत से ज्यादा, तो उनको मैं यहाँ बुलाता हूँ, 900 बचाओ यहाँ आ जाओ, जो बहुत परेशान है नहीं आ सकते नहीं चल सकते उनके लिए ऑनलाइन है। और कितने बेवकूफ कहते हैं हो जाएगा, हो जाता है, इस पे भी आपत्ति है, मैं आज से नहीं 15 साल हो गया करते करते, पूरी दुनिया का कर रहा हूं तो हो रहा है तभी तो कर रहा हूं, मैं तो कभी इंडिया छोड़ के गया ही नहीं हूं। तो होता है, अगर ये कहें कि हो जाता है हो जाएगा तो उनको पहले मैं बोलता हूं नहीं करूंगा, अब यहां आओ, और यहां पर भी ज्यादा वो परेशान करेंगे तो उनको सदा के लिए डिलीट मार देता हूं, जा भाई मेरे क्या मत आना, तू मेरे क्या आके भी तू ठीक नहीं होगा, तेरा पैसा बर्बाद होगा। कभी किसी को हमने डिलीट मार दिया, गलती पे गलती बहुत किया और डिलीट मार दिया, तो वो सदा यहाँ नहीं ठीक होगा, हम पृथ्वी की बात नहीं करेंगे, यहाँ नहीं ठीक होगा। अब वो सोचे कि हम चोरी से जाके करा ले तो पैसा वो अपना फूक के यहाँ चला जाएगा, यानी उसको बेनिफिट नहीं मिलेगी, पैसा उसका फालतू होगा। तो बताना चाह रहे हैं जो व्यक्ति डिलीट हो गया वो कभी यहाँ ना आए, कैसा रहा?
और आप लोगों का कोई सुझाव? डीप वाला ठीक है, वीडियो बनना चाहिए, चलो ठीक है। जो भी आए डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाओ, वो चलेगा। नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा, और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है, नहीं भी होता है। आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई रात को, वहाँ आप लोग रुकते हो, अगर मौत हो जाए, छीनना झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए। नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार, रविवार 2 दिन, 9 बजे खुला है, आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। एक भूत मारने का खर्च, विदेशियों के लिए भर्तियन पैसा 2,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट, इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वाह भरत सरकार को लाभ पहुंचेनिए, यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार। टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक, 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1,000 रुपीज और विदेशियों में मरीजों के लिए 10,000 रुपीज एडवांस में जमा करना होगा, और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा, इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा, दोनों में कोई भी कर सकता है, इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट, 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।